जब रंगे हाथ पकड़ा गया पुलिस का इंस्पेक्टर तो क्या हुआ। शुरुआत में आपको तस्वीर नजर आई होगी, कुछ सेकंड की तस्वीर जिसमें पुलिस वाले के हाथ पकड़कर ले जा रही है लोकायुक्त की टीम। लोकायुक्त इंदौर की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त की टीम ने जब कार्रवाई की और रंगे हाथों पकड़ा गया एएसआई रिश्वत लेते हुए, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी देखने के लिए रिश्वतखोर एएसआई को। जी हां, मामला धार जिले का है जहां राजेंद्र थाने में बताया जा रहा है पदस्थ एएसआई जिसका नाम किशोर सिंह टाक बताया जा रहा है, जिनका नाम, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। पूरा मामला फरियादी की शिकायत से जुड़ा हुआ है। परमानंद दहिया नाम का एक शिकायत करता था जिसने इंदौर लोकायुक्त को शिकायत की थी और ये कहा था कि एएसआई ने उससे आपसी विवाद के चलते जो मामला दर्ज किया गया है उसमें उसका नाम ना जोड़ने को लेकर, साथ ही उसके बड़े भाई पर लगी हुई धाराओं को कम करने को लेकर पैसे की मांग की है। इसी वजह से उसने शिकायत की और जब शिकायत की तो लोकायुक्त की टीम ने छापा मार दिया। छापा मारा तो पकड़े गए एएसआई रिश्वत लेते हुए और उसके बाद वहां भीड़ जमा हो गई। तस्वीर तो आप लगातार देख रहे हो किस कदर वहां लोगों की भीड़ जुट गई। अब इस मामले में जो लोकायुक्त के निरीक्षक हैं वो बता रहे हैं किस तरीके से शिकायत मिली थी और आगे क्या एक्शन लिया जाएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 7 की धारा के अंतर्गत कार्रवाई की गई है जिसमें फरियादी परमानंद दहिया, जो जिसका परिवार समाज के अन्य लोगों के साथ में झगड़ा हुआ था, जिसके काउंटर केस दर्ज किया गया था थाना राजौंद के अंतर्गत, जिसमें एएसआई किशोर सिंह टाक द्वारा इसकी विवेचना की जा रही थी, जिसमें फरियादी के परिवार के 7 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध था। इसका नाम ना जोड़ने और धारा ना बढ़ाने के एवज में रुपए की मांग की जा रही थी। तो फरियादी रुपए नहीं देना चाहता था और वो इसको रंगे हाथों पकड़ाना चाहता था, इसलिए फरियादी ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर जाकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत का आवेदन दिया। आवेदन के बाद में उसकी श्रीमान के निर्देश अनुसार उसकी तस्दीक की गई और उसमें आज हमने उसको रंगे हाथों 30,000 रुपये की रिश्वत राशि के लेन देन करते हुए पकड़ा गया है और अभी उसके भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। तो लोकायुक्त के निरीक्षक आपको बता रहे हैं कि आगे किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला धार जिले का है। पूरा मामला मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि फरियादी ने यही शिकायत की थी कि उसका नाम ना जोड़ा जाए मामले में, साथ ही साथ और उसके भाई पर जो लगी धाराएं हैं उसको कम कर दिया जाए। इसको लेकर एएसआई किशोर सिंह टांग ने उससे रिश्वत की मांग की थी और बताया जा रहा है कि 1,00,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। इसी मामले को लेकर शिकायत हुई थी, लेकिन जब मौके पर लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की तो वहां भारी भीड़ जुट गई। भीड़ की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। अब उसके बाद लोकायुक्त की टीम को एएसआई को ले जाना पड़ा कहीं दूर, 25 किलोमीटर दूर सदनारपुर बताया जा रहा है, जहां ले जाया गया, पूछताछ की, आगे की कार्रवाई लोकायुक्त की टीम की तरफ से की गई। धार से आप तक की खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता छोटू शास्त्री ने। आप देखते रहिए एमपी का।